तो आज हम देख रहे हैं कि पावर पॉइंट के अंदर एक प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंटेशन होती क्या है। प्रेजेंटेशन वर्ड प्रेजेंट से निकला है, माना हाजिर, और प्रेजेंटेशन किसी के सामने पेश करना। ठीक है, क्या पेश करेंगे? किसी भी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, टॉपिक को, सब्जेक्ट को लोगों के आगे डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म मतलब कंप्यूटर पावर पॉइंट को यूज करते हुए पेश करने के अमल को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। ये एक डिजिटल तरीका है किसी भी सब्जेक्ट का, प्रॉब्लम का, सर्विस का लोगों को बताने के बारे में। अब भाई प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? एक प्रेजेंटेशन के लिए आपको कंटेंट चाहिए होते हैं। कंटेंट किस किस तरह के चाहिए होते हैं? कंटेंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं टॉपिक या सब्जेक्ट, फिर रिलेटेड फैक्ट्स इन टेक्स्ट और नंबर, इमेजेस, वीडियोस, शेप्स, कलर्स, फॉन्ट्स, ये सब पार्ट्स हैं प्रेजेंटेशन का। अब सबसे पहला ऑप्शन आता है टॉपिक, तो चले अभी यहाँ से शुरू करते हैं, फिर बाद में डिलीट कर दूंगा मैं इनको। किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाएं? कल हम कंप्यूटर के टॉपिक के ऊपर बना रहे थे, अब उसके लिए टेक्स्ट तो है नहीं हमारे पास। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, फिर मिसाल के तौर पे अगर टेक्स्ट नहीं होते तो वो ऐसे कर रहे होते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं कि या तो किसी बुक से पढ़कर, या किसी लेसन से पढ़कर, या गूगल से सर्च करके ये सारी चीज़ें जमा करते हैं और उसको एक प्रेजेंटेशन की शक्ल देते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कैसे हम एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसको पावर पॉइंट में सेट कर सकते हैं। सही है, तो अभी चलते हैं। हमारे पास AI के जितने भी टूल हैं उनमें एक तो टूल है जिसका नाम है meta.ai। इससे क्रिएट कर सकते हैं, ChatGPT से कर सकते हैं, और भी है, Gemini है गूगल का। तीनों AI टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जो आपको किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन बनाने में, उनका कंटेंट बनाने में हेल्प करेंगे। और जैसे आपको पता है कि इंटरनेट की तो हालत ही बुरी हुई हुई है, तो ये इसी तरह चल रहा है, खुल गया। ओके, अब ये AI टूल को यूज कैसे करते हैं? ये हमसे मांगेगा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन कमांड, क्या चाह रहे हैं आप। अब जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएगा। तो हम किस चीज पर प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं? पहला सवाल हम बनाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन आवर सोसाइटी। सही है, कितनी स्लाइड की प्रेजेंटेशन बनाए? कहते हैं उसको 6 स्लाइड्स की बना, 6 की बना दे, ज्यादा हो जाएगी, चलो 6 की बना दे। ठीक है, ये बात कैसे कहनी है इसको? क्रिएट प्रेजेंटेशन ऑन, डबल कोट्स में लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन आवर सोसाइटी। ठीक है ना, नेक्स्ट फॉर ईच कंटेंट, हाँ, कवर फ्रॉम 4 साइट्स एंड क्रिएट रियलिस्टिक रीजंस इन इजी इंग्लिश प्रेजेंटेशन मस्ट बी मतलब ऑन 6 स्लाइड्स सजेस्ट रिलेवेंट इमेजेस फॉर सेड
टॉपिक, ठीक है। ये हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, ये प्रॉम्प्ट मैं आपको भी दे देता हूँ, फिर आप उसको भी कर लीजिएगा। टॉपिक क्या आएगा, कितनी स्लाइड्स पे करना है, और इजी वर्ड्स में करना है, मुश्किल में करना है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो अब ये क्रिएट करना शुरू करेगा। ठीक है, अब ये इससे हमें बना दिया। अब हम इसको कैसे प्रेजेंटेशन की शक्ल देंगे, चाहे तो यहाँ से यूज़ कर लें। सबसे पहले हमने लिखना है स्लाइड वन के ऊपर, क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, स्लाइड वन इंट्रोडक्शन। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब टाइटल क्या है उसका, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन आवर सोसाइटी। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, सब टाइटल ट्रांसफॉर्मिंग द वे द लाइव एंड लिव। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे जाना है, एक नई स्लाइड एड करानी है, और यहाँ पे जाके हमने ये टॉपिक कॉपी कर लेना है। अच्छा, ये इसका सजेशन टॉपिक था, ये इधर आएगा, और ये जो है इधर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से अगला स्लाइड ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा टॉप पर, और ये सारे टॉपिक बल्कि इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। इसके बाद यहाँ से एक्यूरेट करा लेते हैं। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, ओके। कंक्लूजन में लिखा है एम्बरेसिंग डिजिटल एज, समरी ऑफ की पॉइंट्स लिखे नहीं इसका। अच्छा, हम इसके कंक्लूजन सही नहीं बनाया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, clearly suggest complete suggestion conclusion for last slide। ठीक है, उसने हमें conclusion भी दे दिया। तो अब हमने embracing digital summary यहाँ से इसकी एक ले ली,
ये हमने कंक्लूजन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने कंक्लूजन भी ले लिया। और ये बन गई हमारी प्रेजेंटेशन, सेव कर देते, मोर ऑप्शंस, ब्राउज, डॉक्यूमेंट्स, पावर पॉइंट फाइल्स, सक्सेस। प्रेजेंटेशन ठीक है, तो ये हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई। अब रह गई इमेजेस की बात जहाँ तक, तो इमेजेस का मैं एक तरीका बताता हूँ। इसने हमें सजेस्ट किया है अ कोलैबोरेटिंग ऑफ पीपल यूजिंग कंप्यूटर्स। अब ये एक इमेज चाहिए, ठीक है ना, तो क्या लिखते हैं, क्रिएट इमेज फॉर डबल कोट्स अब उसके लिए ये लॉगिन होने के लिए कहेगा, अच्छा वैसे अगर ये आप अपने मोबाइल पर भी आपका मेटा एआई ऑन है ना, अगर इस पर आपका जीमेल कनेक्ट नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, ये प्रॉम्प्ट हम अपने मोबाइल पर दे देते हैं इसको, ये ऐसे इमेज बनाएगा और वो प्रॉम्प्ट भी चला गया। ठीक है, तो ये मैंने अपने आप को यहाँ से प्रॉम्प्ट जो है लिख दिया और पूरा बना दिया, क्रिएट इमेज फॉर अ कॉलेज ऑफ पीपल एंड यूजिंग। ठीक है, वैसे मेटा ए को लॉगिन कर लेंगे ना तो उससे भी बन जाएगा, लेकिन अगर वो मेरा जरा यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो मैंने क्या किया, अपना व्हाट्सएप खोल लिया और ये वाला प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद यहाँ से इसको बैक कर लिया। अब जा रहा हूँ मैं अपने मेटा ए आई को खोल लिया और AI खुल के लोड हो जाए, जब तक ये खुले देखते हैं, जब तक हम थोड़ा प्रेजेंटेशन में काम कर लेते हैं। आप प्रेजेंटेशन को हम क्या क्या काम करेंगे, इस पर एक डिज़ाइन लगाएंगे, डिज़ाइन में जाके एक अच्छा सा कलर स्कीम लगाएंगे इसके ऊपर जो इसको सूट करे। फिर उस पर भी कुछ कलर्स को हम यूज़ करेंगे, कि कौन से कलर्स हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये देखिए इससे बना दिए इमेजेस, ये इमेज हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, सेंड कर देते हैं, अपने आप को सेंड कर रहा हूँ। ऐसे ये भी बना देगा कंप्यूटर पे, लेकिन वो आईडी, मुझे आइडिया नहीं था कि इसको कनेक्ट करना है, वरना मैं कर लेता, ये आ गया, इसको डाउनलोड कर लेते। जैसे ही डाउनलोड करेंगे ओपन कर लेते, क्लिक करके कंट्रोल एक्स करके कट कर लेते, लेटेस्ट के फोल्डर में जाके यहाँ पे क्लिक कर लेते, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेते, कंट्रोल F2 करके रीनेम कर देते और IMG010 के नाम से इसको सेव कर दें। अब इधर आ जाते हैं प्रेजेंटेशन पे, तो कलर स्कीम चूज करने के बाद फॉन्ट की स्कीम को चूज करेंगे। देखें कौन सा फॉन्ट सही रहेगा, सही है, क्लिक कर लें इसके ऊपर, उसके बाद यहाँ से क्लिक करके हम कलर्स को चूज़ कर लेते हैं, अगर कलर स्कीम पे कुछ चेंज चाह रहे हैं आप।
उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करके इफेक्ट्स पर अगर कोई शेप्स वगैरह लगाए हुए हैं तो उनका भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी शेप हमने कोई नहीं लगाया हुआ। उसके बाद ये जो मामला है इसके ऊपर, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के हमें करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। तो अभी तो आप इसको जो 32 पे हो सकता है 32 पे कर ले, और ये मैक्सिमम हो सकता है इस पे कर ले। कल मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी इसको बढ़ा के जितना मैक्सिमम हो सके उतना कर ले। लेकिन ये ध्यान में रखें कि मेन हेडिंग से ये छोटा होना चाहिए, मेन हेडिंग से छोटा होना चाहिए। ओके, मैंने 28 पे सेट कर दिया इसको, सही है सबको। अच्छा, उसके बाद अब सेव कर ले कंट्रोल एस करके। हाँ, फोटो कहाँ लगाएंगे? तो यहाँ पर हमें एक फ़ोटो लगाना था, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन सोसाइटी में। तो इमेज लगाने के लिए आप दो चार ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, एक कंटेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर भी इमेज लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे कहाँ फोटो लगाया जाए, इसके लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं, इमेज डाउनलोड कर रखा है अपने अपने पास। ये इमेज डाउनलोड है, ठीक है, और यहाँ पर हम इस पर लिख देते हैं सही। अब इसको स्लाइड शो पे कैसे चलाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट करने के लिए दो ऑप्शन है, राइट बटन दबाएं कीबोर्ड से, राइट एरो, बैक करने के लिए बैक एरो, लेफ्ट एरो। तो इस तरह से एक सिंपल प्रेजेंटेशन आप बना लीजिए, ठीक है।